बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मेरी वीडियो ज़रूर देखते होंगे, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते होंगे आप और लाइक एंड शेयर भी करते होंगे मेरी वीडियो। अच्छा जी, आज हम आपके लिए होम रेमेडी लेकर आए हैं नेल्स के मुतालिक। जिनकी नेल्स बढ़ते नहीं हैं, वाइट नहीं हैं, येलो हैं और टूट जाते हैं अगर बढ़ते हैं तो, और ग्रोथ बहुत देर से होते हैं, मतलब ग्रो बहुत देर से करते हैं, मतलब बढ़ते बहुत मुश्किल से हैं उनके, तो आज हम उनके लिए कि नाखून का लेकर आए हैं, नाखूनों के लिए सीरम बनाना। तो आज हम ये सीरम बनाना आपको सिखाएंगे। इस सीरम के लिए क्या क्या चाहिए? ग्लिसरीन, रोगने बादाम, लहसुन, जो कि लहसुन की जमीन है ये, पर हमने पानी निकाल के इसका रख लिया था, और विटामिन ई ऑयल, ठीक है, विटामिन ई ऑयल लेंगे आप। और दूसरा ये कि आपको, आप मैं जो भी वीडियो बना के लाती हूँ आप ज़रूर उसको देखा करें, ट्राई किया करें, और प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और इसके रिज़ल्ट से आपको कैसे, मतलब रिज़ल्ट कैसा मिल रहा है आपको। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। हमें चाहिए एक चम्मच लहसुन का पानी, एक चम्मच हमने डाल दिया लहसुन का पानी। आप इसको नेल पॉलिश के जैसे कोई बोतल खाली होती है आप उसमें बना के रख सकते हैं। मैं लूँगी हाफ रोगने बादाम, हाफ टीस्पून, क्योंकि हमने एक चम्मच लहसुन का पानी लिया है हमने, तो हाफ हम डालेंगे रोगने बादाम। सॉरी, मैं आपको ग्लिसरीन बोला था, मैंने आपको सॉरी कस्टर्ड आयल, मेरे से मिस्टेक हो गई, बस वो दो तीन बोतल मैंने साथ रखी हुई थी ना, तो इसकी वजह से मिस्टेक हो गई। कस्टर्ड ऑयल लेंगे, ठीक है, आधा चम्मच ले लिया हमने कस्टर्ड ऑयल। मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, इनकी हमसे नहीं होती, बिल्कुल हो जाती है हमसे मिस्टेक, तो हम उसको फौरन ठीक कर लेना चाहिए अपनी मिस्टेक को। तो अब हम लेंगे एक विटामिन ई ऑयल, ये हमने डाल दिया विटामिन ई ऑयल, ठीक है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करके ऐसा आपने अपने हिसाब से बनाने रखने, ठीक है, मैंने क्वांटिटी कम रखी है। आप इसको नेल पॉलिश की डिबिया में बना के रखेंगी तो आप इसको ज़्यादा बना लेंगी अपने हिसाब से, जो पूरी बोतल में आपके आ जाए, पर मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी ली है तो इस हिसाब से मैं इस कंटेनर में डाल लूँगी। तो ये देखें, ऐसे हो जाएगा ये नेल्स का सीरम तैयार, ठीक है। आपने इसको डेली रात पर नेल पॉलिश के ब्रश से आपने अप्लाई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।